नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का एक बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक का नाम होगा ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब आपका ये होता है दोस्तों कि जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्या हो किससे हम अकाउंटिंग करेंगे, वो हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उसी के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि नहीं, फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर, को कैसे पहचान करेंगे कि वो मनी में मेजर होना चाहिए, और उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। एक लेमैन के लैंग्वेज में आप कह सकते हो, जैसे आप कहोगे हमने 10 लाख का गुड्स बेचा, कोई नहीं मानेगा, उसका रसीद आप दिखा दोगे तो हर कोई मान जाएगा। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में जब आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप कहोगे कि हमने 10 लाख डोनेट कर दिया, कोई नहीं मानेगा, उसका प्रूफ होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि इसमें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और वाउचर्स के बारे में भी समझेंगे। वाउचर्स और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं? तो वाउचर्स में, वाउचर्स बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी ऑथेंटिकेशन ही है, मतलब आपका एक प्रूफ होता है। बट वाउचर्स में क्या होता है ना, हम ट्रांजेक्शन को डे वाइज है ना, जो पहले आए उसको हम लोग एक जगह पे एक रजिस्टर में उसको मेंटेन कर लेते हैं, पूरा डेट वाइज रिकॉर्ड करने को उसको वाउचर बोलते हैं, ठीक है ना। और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे अलग अलग होते हैं। डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर ऑडिट, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। कह रहा कि डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जब टैक्स का असेसमेंट किया जाता है, तब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो पहला है आपका कैश मेमो। पहला क्या है दोस्तों, कैश मेमो। इट इज प्रिपेयर वाइल द सेलिंग द गुड्स फॉर कैश डिटेल, है ना, रिगार्डिंग द आइटम्स क्वांटिटी रेट एंड टोटल प्राइस। जब हम जैसे कोई दवा खरीदने जाते हैं या फिर कोई सामान खरीदते हैं जहां पे नगद खरीदते हैं, तो हमको एक कैश मेमो मिलता है ना, जहां पे ट्रांजेक्शन नगद होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमो बोलते हैं, जिसमें उसका क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, उसका क्या अमाउंट आएगा वह रहता है, और उस डीलर या फिर जो भी दुकानदार या बिजनेसमैन है उस बिजनेस का पूरा उसमें ब्यौरा होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका इनवॉइस या बिल। जब ट्रांजेक्शन उधारी होते हैं, इनवॉइस या बिल का क्या मतलब होता है, जब ट्रांजेक्शन उधारी हम किसी को बेचते हैं तो साथ में एक बिल भी लगा के दे देते हैं, जिसको हम लोग इनवॉइस बिल के नाम से जानते हैं, जिसका प्रूफ होता है कि हाँ आपके यहाँ कितना गुड्स गया, आप इस बिल से चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट में वही वही गुड्स, वही वही क्वांटिटी है या फिर नहीं। इनवॉइस या बिल मतलब व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट ट्रेड पेपर इनवॉइस और बिल, मतलब जब गुड्स क्रेडिट पे, मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी पे बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तब इनवॉइस बिल जनरेट किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, रेट क्वांटिटी और टोटल प्राइस होता है, और कुछ आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि अगर विद इन 10 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ये भी बातें उसमें मेंशन रहती है। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, रिसिप्ट। जैसे आप कहीं पढ़ते हो तो आप फीस जमा करते हो तो आपको रसीद मिलता है, या फिर गुड्स आप बेच दिए, बाद में बस पैसा और पेमेंट करने आ रहा है, तो उसका एक प्रूफ देंगे ना कि हाँ आपने पैसा जो गुड्स उधारी खरीदा था उसका पेमेंट हम आज कर रहे, तो रसीद है, ठीक है। तो रिसिप्ट क्या होता है, व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर या डेटर इशूड रिसिप्ट, मतलब उसको हम लोग क्या, जब कस्टमर से कोई रिसिप्ट कैश रिसीव करते हैं तो उनको एक रसीद देते हैं, जिसको हम लोग डेटर रिसिप्ट बोलते हैं। पे इन स्लिप बैंक में यूज होता है। पे इन स्लिप कहाँ यूज होता है, बैंक में। बेसिकली होता क्या है, जैसे ए हो गया आपका, स्लिप हो गया, इसमें डॉट डॉट ऐसे करके होता है, डिटेल इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बैंक ए वाला अपने पास रख लेगा और ए आपको दे देता है। तो दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक एंड यूज टू द डिपॉजिट अमाउंट और चेक इन द बैंक। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तब पे इन स्लिप का उपयोग करते हैं, वह आपका प्रूफ होता है, जो आपको मुहर मार के देते हैं, प्रूफ होता है कि इनकेस कभी पैसे नहीं जमा हुए या फिर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उससे आप क्लेम कर सकते हो, आपको पैसे वापस मिलेंगे। चेक क्या होता है, चेक में बेसिकली जो कस्टमर होता है बैंक का, बैंक में जिसका अकाउंट ओपन होता है उसको कस्टमर के नाम से जानते हैं, बैंक में जिसका अकाउंट ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। तो बैंक क्या करता है, कस्टमर को एक रसीद देता है जिसको हम लोग चेक बोलते हैं बेसिकली। तो चेक होता क्या है कि चेक में बैंक को कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि या तो हम जब लेकर आएंगे या फिर हमारी तरफ से कोई भी जाएगा तो उसको आप पेमेंट कर देना,
तो क्या होता है बेसिकली चेक के नाम से जाना जाता है। चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन ए बैंक, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक के ऊपर लिखा जाता है। टू पे ए स्पेसिफाइड सम टू बियरर, बियरर मतलब जो चेक लेकर जाएगा, या पर्सन नेम्ड इन इट, या फिर जो जिसमें चेक में जिसका नाम हम लिखेंगे उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे, या फिर बियरर चेक होगा तो वह कैश इन हैंड मतलब अब ले जाएगा चेक बैंक में और वह हाथों हाथ कैश उसको पेमेंट कर देगा। डेबिट नोट क्या होता है बेसिकली, whenever we return goods to the supplier we prepare debit note, मतलब जब हम supplier को goods वापस करते हैं, जैसे मान लें हमने 10,000 का goods purchase किया था supplier से, ठीक है ना, तो supplier से उधारी खरीदा था तो 10,000 उसको payment करना होगा ना, तो 10,000 ultimately उसके account को हमने क्या कर रखा है, credit, क्योंकि उधारी goods खरीदा है तो supplier credit है। अब उसका goods अच्छा नहीं था, default था, है ना, low quality का goods था, तो हमने 2,000 या 5,000 goods वापस कर दिया, तो अब उसका उतना पैसा कम करेंगे, डेबिट करेंगे ना, उतना अमाउंट कम कर देंगे ना, जैसे सपोज करो 4,000 रुपये का गुड्स हमने वापस कर दिया, अब सप्लायर को कितना देना होगा 6,000, तो 4,000 हम क्या करेंगे डेबिट, उसके साथ एक डेबिट नोट इशू कर देंगे कि आपको जो पैसे 10,000 देने थे क्रेडिट था, अब हम 4,000 डेबिट कर दिए, मतलब अब बस 6,000 ही देना है। अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेबिट नोट किसको इशू किया जाता है, तो डेबिट नोट सप्लायर को इशू किया जाता है, ठीक है ना, कौन इशू करता है, कस्टमर इशू करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। डेबिट नोट किस-किस रिटर्न के किस-किस केस में होता है, डेबिट नोट इशू टू क्रेडिटर या सप्लायर, है ना, परचेज रिटर्न के केस में, या डिफेक्ट गुड्स, या फिर हाई रेट लग गया होता है उस केस में डेबिट नोट इशू किए जाते हैं। क्रेडिट नोट्स क्या होता है दोस्तों, उसी का जस्ट उल्टा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर जब हमारे यहाँ, उल्टा हमारे यहाँ गुड्स, जैसे हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट, अब कस्टमर हमारे यहाँ गुड्स रिटर्न करेगा जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सर नहीं समझ में आया, दोस्तों ऐसे समझो कि सपोज करते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमने किसी मिस्टर ए को 1,00,000 रुपये का गुड्स बेचा, कितने का बेचा था, 1,00,000 रुपये का, ठीक है ना, अब उसमें मैंने हाई रेट लगा दिया था या फिर किसी रीजन से वो डिफेक्टिव गुड्स था, कस्टमर हमको गुड्स वापस कर देगा 40,000 रुपये का, तो हम क्या करेंगे 40,000 रुपये माइनस करके, मतलब उसके अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, क्योंकि गुड्स हमने उधारी बेचा है तो कस्टमर डेबिट टू सेल्स हुआ होगा। अब कस्टमर जब पैसा देगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 40,000 उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि तुम 40,000 कम देना बिकॉज तुमने गुड्स वापस कर दिया है, ठीक है ना। तो वही गुड्स रिटर्न, कस्टमर जब रिटर्न करता है गुड्स तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि तुम्हारे अकाउंट को ऑलरेडी इतना पैसा हमने क्रेडिट कर दिया, अब तुम देना कम देना, 40,000 कम करके 60,000 देना, ठीक है ना। क्रेडिट नोट इशू टू द डेटर्स, अब ये क्वेश्चन आता है डेबिट नोट किसको इशू किया गया होता है, सप्लायर को, और क्रेडिट नोट डेटर्स को, ठीक है ना। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, तो कस्टमर, और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सप्लायर या बिजनेसमैन जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, वाउचर्स क्या होता है, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस, मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन का पूरा एक जगह पर हम लोग सिस्टम, देखो जितने सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको सिस्टमेटिक एक जगह पर, मतलब उसको सारे वाउचर्स को, सॉरी सारे रसीद को एक जगह पे हम लोग जब मेंटेन करते हैं तो उसी को वाउचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाउचर बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक कैश वाउचर होता है और एक नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर के नाम से जानते हैं। वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं, दो, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर के नाम से। कैश वाउचर में भी हो सकता है आपका डेबिट और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर मतलब जिसमें हम कैश पेमेंट किए होंगे, डेबिट मतलब जिस किसी भी रीजन से हम पैसा पेड करेंगे तो डेबिट वाउचर, और जो पैसा हमको मिलेगा तो क्रेडिट वाउचर। कैश में ध्यान रखना, कैश वाउचर में डेबिट वाउचर का मतलब क्या होगा, जो पैसे हम पेमेंट करेंगे, है ना, जैसे गुड्स परचेज करेंगे पैसा देंगे, है ना, सप्लायर को पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस पेड करेंगे, तो डेबिट कैश वाउचर। हमको जो पैसा मिलेगा गुड्स बेचने से या फिर डेटर्स थे तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट कैश वाउचर हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉन कैश मतलब जो उधारी ट्रांजेक्शन वाउचर इश्यू किया तो उसको हम लोग नॉन कैश वाउचर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है, जैसे पेन स्लिप कहाँ पे यूज किया जाता है, डेबिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, तो यह है आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो यह वीडियो आप अगर यूट्यूब पे अपलोड है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कोई भी ऐसी और कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिए, हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड
कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मेरे दोस्तों ध्यान रखिए कि हम पेड कोर्सेज चलाते हैं, बट अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और टेलीग्राम, तो आप पेड कोर्सेज नहीं लेते हैं, फिर भी पेड कोर्सेज में बहुत सारे मटेरियल फ्री होते हैं। उसके अलावा अलग से स्टडी मटेरियल में हम लोग फ्री में मटेरियल वगैरह देते हैं, वीडियो देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कॉमर्स का तो ए टू जेड सब कुछ चलाते हैं, साथ में बी ए बी एस सी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है उसका अरेंजमेंट भी हम कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।